हेलो स्टूडेंट, मौर्य देवी तपड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज अपने पढ़ने वाले हैं फंक्शन डेफिनेशन के बारे में कि फंक्शन डेफिनेशन क्या है, यानी आप फंक्शन को डिफाइन किस प्रकार से कर सकते हैं। मैंने जब आपको पहले बताया था, उसमें बताया था मैंने आपको कि जब आप यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो उसके तीन एलिमेंट्स आपको होते हैं या तीन एलिमेंट्स के होते हैं। एक होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, जिसको बोलते हैं अपने फंक्शन प्रोटोटाइप। फिर एक होता है, दूसरा होता है आपका फंक्शन कॉलिंग, जिसमें आप फंक्शन को कॉल करते हैं। ये मैं आपको दोनों बता चुका हूँ। आज अपना इसमें बाकी था जो अपना, वो था अपना फंक्शन डेफिनेशन, या जिसको बोलते हैं फंक्शन को डिफाइन करना, कि आप फंक्शन को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। तो शुरू करते हैं। डेफिनेशन होता क्या है कि जब आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हो, तो उस समय आप फंक्शन का टाइप यानी उसका रिटर्न टाइप बताते हो, फंक्शन का नाम लिखते हो, और उसमें काम आने वाले आर्गुमेंट की संख्या और उसके टाइप को आप बताते हो, फिर आप उसको क्या करते हो, टर्मिनेट करते हो। ये जो सारा काम था वो आपका था फंक्शन डिक्लेरेशन का था। यानी एक जैसे जब आप फंक्शन को, जैसे आप कोई सिंपल वेरिएबल अगर आप काम में लेना चाहते हैं प्रोग्राम में, तो आप उसको डिक्लेयर करते हो, वही सेम काम उसका था फंक्शन प्रोटोटाइप वाला। अब उस आपने मान लीजिए कोई वेरिएबल को आपने डिक्लेयर तो कर दिया, आप क्या कर रहे हैं उसको काम में लेना चाहते हो, तो आप उसी प्रकार से फंक्शन को आपने क्या कर दिया, डिक्लेयर पहले कर चुका है, आप क्या कर रहे हो उसको आप डिफाइन कर सकते हो। फंक्शन जो डिक्लेयर है वो आप आपके हेडर फाइल के बाद में आप उसको डिक्लेयर कर सकते हो, और उसके बाद में आप फंक्शन को कहीं पर भी डिफाइन कर सकते हो, चाहे तो आप साथ में कर सकते हो, डिक्लेयर और डिफाइन दो साथ में हो सकता है, या फिर आप चाहो तो फंक्शन को प्रोग्राम के लास्ट में भी आप क्या कर सकते हो, उसको डिफाइन कर सकते हो। लेकिन उसकी जो डिक्लेरेशन है या जो फंक्शन का प्रोटोटाइप है, आपको पहले आपको ग्लोबल पार्ट में आप उसको उसको बताना पड़ता है कि आपको किस प्रकार का फंक्शन आप काम में लोगे, और उसको आप अपने हिस्सा अनुसार कहीं पर भी आप उसको डिफाइन कर सकते हो, उसको या तो उसके साथ में कर सकते हो, या फिर आप प्रोग्राम के बाद में, या आप प्रोग्राम के अंत में यानी अपग्रेड चीज के बाद में भी आप उसको क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हो, तो फंक्शन को जब आप डिक्लेयर या डिफाइन करते हो, तो उसमें क्या होता है, फंक्शन को डिक्लेयर करते समय आप क्या लिखते हो, फंक्शन टाइप, फंक्शन टाइप लिखते हो, फिर फंक्शन का नाम लिखते हो, फिर पैरामीटर लिस्ट लिखते हो, और सेमीकोलन लगाते हो। ये था आपका, ये जो था चीज आपके फंक्शन को जब आप डिक्लेयर कर देते हो। अब मुझे क्या करना है, डिफाइन करना, तो क्या करने का, जब आप फंक्शन को डिफाइन करोगे तो आपके इसमें दो पार्ट होंगे। क्या क्या होगा आपका, एक होगा आपका फंक्शन हेडर। क्या होगा, फंक्शन हेडर। ये आपका क्या है, ये फंक्शन के डिफाइन का है, सॉरी या डेफिनेशन का है, फंक्शन डेफिनेशन का ही है, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन में आपको दो चीज मिलेगी, एक होगा आपका फंक्शन हेडर, और दूसरा होगा आपका फंक्शन बॉडी। क्या होगा, फंक्शन बॉडी। आप जब फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो या उसकी जो डेफिनेशन देंगे, तब आपको दो चीज की आवश्यकता होगी, हेडर और बॉडी की। उसी प्रकार से जब आप फंक्शन को डिक्लेयर करते थे, उस समय आपको फंक्शन टाइप की आवश्यकता होती थी, फंक्शन नेम की, और उसके पैरामीटर लिस्ट की। तो अब आपके फंक्शन हेडर और फंक्शन बॉडी में क्या आएगा, फंक्शन हेडर के अंदर आपने जो फंक्शन को क्या नाम दिया है, उसका टाइप क्या है, और उसमें पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, और उसमें काम आने वाले जो आपके पैरामीटर जो टाइप है वो कौन कौन से हैं, वो आएगा। और फंक्शन बॉडी में क्या आएगा कि आप फंक्शन से क्या काम करवाएंगे, यानी फंक्शन क्या कैलकुलेशन करेगा, वो आपका क्या आएगा, फंक्शन बॉडी में आएगा। फंक्शन बॉडी में और क्या आ सकता है, फंक्शन बॉडी में आपका लोकल वेरिएबल आ सकता है, क्या सकता है, लोकल वेरिएबल, स्टेटमेंट, यानी आपके स्टेटमेंट आ सकते हैं,
क्या क्या स्टेटमेंट से आप दिया था तो वो आ सकता है। तीसरा आपका साथ में रिटर्न स्टेटमेंट, ये भी आप फंक्शन बॉडी में लिख सकते हो। यानी ये तीन चीजें, लोकल वेरिएबल, स्टेटमेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। यानी आप फंक्शन में तो कोई लोकल वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, फिर आप उसको स्टेटमेंट काम में ले सकते हो, यानी आप वेरिएबल को यूज में ले सकते हो। आपने क्या स्टेटमेंट लिखी है, आप फंक्शन के द्वारा किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, आप स्टेटमेंट आ जाएगा। और फिर फंक्शन के जब आपका फंक्शन जहाँ खत्म हो रहा है तो फंक्शन क्या मान रिटर्न करेगा, तो आप इसके साथ में रिटर्न स्टेटमेंट का प्रयोग भी साथ में कर सकते हो। तो अपने इसको डिफाइन कर देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि वो किस प्रकार से आपका डिफाइन होता है। मैं यही कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया int, मैंने क्या लिख दिया int, int क्या है फंक्शन का रिटर्न टाइप है। मैं लिख दिया ये फंक्शन रिटर्न टाइप मान क्या करेगा, रिटर्न करेगा। फिर फंक्शन का नाम मैं जैसे लिख दिया, मान लीजिए मैंने add, ठीक है। और आप जब प्रोटो टाइप लिखते तो मेरे को लिखना है एक बार पहले int और int, और इस प्रकार से आप इसको क्या करते थे, फंक्शन को डिक्लेयर करते थे। अब मुझे इसकी डेफिनेशन देनी है या इसको डिफाइन करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा int add int a कॉमा int b। अब लास्ट में सेमीकोलन नहीं आएगा। जब आप डिक्लेयर करते हो तो उस समय आपका ये फंक्शन जो प्रोटोटाइप है आपका वो सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है। लेकिन जब आप फंक्शन को कि डेफिनेशन दोगे या फंक्शन को डिफाइन करोगे, उस समय लास्ट में सेमीकोलन का प्रयोग नहीं होगा, यानी आप यहाँ पर सेमीकोलन नहीं आएगा। जिस प्रकार से आप मेन फंक्शन लिखते हो, आप लिखते हो ना void main, तो void main फंक्शन क्या होता है आपका, इस कर्ली ब्रैकेट से शुरू होता है और लास्ट में उस कर्ली ब्रैकेट से बंद होता है। तो ये सेम टाइप इसमें होगा, इसके पीछे भी आप सेमीकोलन नहीं लगाते तो इसके पीछे भी आपका क्या सेमीकोलन नहीं लगेगा। मैं बताया था कि मेन फंक्शन एक तरह का क्या आपका एक तरह का यूजर डिफाइंड फंक्शन ही है, तो यहां पर ये कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा। अब यहां पे आपकी जो फंक्शन बॉडी है आपकी, ये क्या है आपकी, ये आपकी फंक्शन बॉडी है। यहां पर आप क्या फंक्शन से काम करवाना चाहते हो, यानी वो स्पेशल आपके जो कोड हैं जो आपके एग्जीक्यूट होंगे फंक्शन के अंदर, वो कोड आपके यहाँ पे लिखे जाएंगे। उन कोड में क्या हो सकता है आपका, एक लोकल वेरिएबल हो सकता है, स्टेटमेंट हो सकता है, और आपका रिटर्न स्टेटमेंट भी आपका हो सकता है, या कोई एक्सप्रेशन हो सकते हैं, या कोई दूसरा फंक्शन भी इसके अंदर काम में आप ले सकते हो। यानी जो फंक्शन बॉडी में आप वो सारे चीज या वो जो सारे एलिमेंट्स काम ले सकते हो जो आप मेन फंक्शन में लेते हो, ठीक है। तो ये होगा आपका, ये होगा तरीका किसका फंक्शन को डिक्लेयर कर, सॉरी डिफाइन करने का या उसकी डेफिनेशन देने का। तो अगर मैं बताऊं आपका ये जो पोर्शन है ये वाला, ये कहलाएगा आपका फंक्शन हेडर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका फंक्शन हेडर कहलाएगा, ये आपका फंक्शन हेडर है। ये पोर्शन आपका क्या है, फंक्शन हेडर का है। और ये जो पोर्शन है ये आपका है फंक्शन बॉडी है। इस फंक्शन बॉडी में आपका वेरिएबल हो सकते हैं और रिटर्न टाइप हो सकता है। जैसे मान लीजिए जैसे मान लो मैं लिखा था ना int add int a कॉमा int b, ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैंने दिया int c, ठीक है। int c क्या है आपका, एक वेरिएबल है जो आपका इंटीजर प्रकार का है। ये क्या करेगा, ये करेगा c बराबर a प्लस b, c के अंदर क्या होगा a b का मान जो आपका आएगा कहाँ से, मेन फंक्शन से रिटर्न होकर आएगा, सॉरी मेन फंक्शन जो आपका सेंड होकर आएगा एक्चुअल पैरामीटर,
वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है कॉपी हो जाएगा, और उसका मान आपका क्या होगा यहाँ पे कैलकुलेट होगा, और फिर आपका लिखोगे रिटर्न सी, रिटर्न सी, यानी आप रिटर्न कीवर्ड का प्रयोग करते हुए इस सी का मान मेन फंक्शन में दोबारा आप क्या करोगे उसको सेंड कर दोगे। तो यह तो चीज आपकी क्या होगी, फंक्शन हेडर होगी। और ये जो चीज है आपकी इस कर्ली ब्रैकेट से इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में, ये हो गया आपका फंक्शन बॉडी हो गई, क्या हो गई, फंक्शन बॉडी कहलाएगी आपकी। ये फंक्शन हेडर है और ये फंक्शन बॉडी है। फंक्शन है कि बॉडी कर्ली ब्रैकेट से शुरू होती है, जहां फंक्शन खत्म होता है वहां पर कर्ली ब्रैकेट से उस फंक्शन बॉडी को बंद किया जाता है। तो ये था आज का टॉपिक जिसे मैंने बताया आपको कि फंक्शन की डेफिनेशन या फंक्शन को डिफाइन आप किस प्रकार से करते हैं प्रोग्राम के अंदर, और उसको फिर आप किस प्रकार से यूज में ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम के द्वारा से अपने फंक्शन को पहले डिक्लेयर करेंगे, फिर उसको क्या नाम है डिफाइन करेंगे, फिर उसको कॉल करके देखेंगे, मतलब जो भी तक मैंने बताया वो सबको अपने प्रोग्राम के साथ से समझेंगे। और धन्यवाद।